आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केवल घर पर मिलने वाली चीजों से बनी हुई कटोरी केक की रेसिपी। इस केक को बनाने के लिए हमें अवन, बटर या फिर मैदा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आपके घर में सभी को काफी पसंद आएंगी। तो आइए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाते हैं। कटोरी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी यानी कि रवा और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर साबुत चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 क्रश की हुई हरी इलायची। इनका इसमें काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम सभी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दही। यहाँ पर जो दही हमें लेना है वो ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और साथ ही में इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। तो ध्यान रहे जब आप रिफाइंड ऑयल लें तो चेक कर लीजिएगा, उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। और फिर हम सभी चीजों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सभी चीजें मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दूध और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो दूध मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर है। तो इस तरीके से बैटर है बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बैटर काफी थिक हो चुका है। अब मैं इस स्टेज में इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इन सब की जगह 1 पैकेट इनो का ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दूध ऐड कर दूंगी और अब हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस जब मैंने इसमें दूध ऐड किया था तो 1/2 कप दूध लिया था, तो मैंने आधा ही दूध इसमें ऐड किया था, आधा दूध बचा लिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, दूध को हम 2 बार करके ऐड करेंगे इसमें। तो गाइस अगर आप और भी इजी केक की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मैं उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा केक का बैटर है तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, यानी कि हम ढोकला या फिर इडली बनाते हैं उस तरीके की होनी चाहिए, यानी कि ना तो ज्यादा पतली होनी चाहिए ना ही ज्यादा थिक। अब हम झटपट से केक बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके की कांच की कटोरियां ले ली हैं। अब हम इसे इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने से क्या होता है कि ये आसानी से डिमोल्ड हो जाती हैं। अगर आपके पास कांच की कटोरियां नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्टील की कटोरियों में भी बनाना बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इनमें बैटर फिल कर दूंगी। तो ध्यान रहे हमें इनमें इतना ही बैटर फिल करना है जितने में जो हमारी कटोरियां हैं आधी भरनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं इनमें कुछ इस तरीके से फिल कर रही हूँ, क्योंकि जब केक है बेक होगा या फिर स्टीम होगा तो ये फूल के ऊपर आएगा, अगर आप ज्यादा बैटर भर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कटोरियों में बैटर हमने भर दिया है। अब हम इस तरीके से टैप कर देते हैं। टैप करने से इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद मैं इस तरीके से टूटी फूटी डाल दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर की टूटी फूटी है, इनसे हमारा केक है देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास टूटी फूटी नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके ऊपर टूटी फूटी डाल दी है। अब हम इनको फटाफट साइड कर देते हैं और अब हम देख लेते हैं कि आप स्टील की कटोरियों में कैसे बनाएं। तो सेम यही प्रोसेस है, इनको भी ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और जब ये ऑयल से ग्रीस हो जाएं तब इनमें भी बैटर फिल कर दीजिए। सेम यही मेथड है। तो इतना ही बैटर फिल करना है जितना हमने पहले कांच की कटोरियों में फिल किया था। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इनमें बैटर फिल कर दिया है और इनके ऊपर भी हम टूटी फूटी डाल देंगे। तो अब हम आज जो केक बना रहे हैं वो बिना बेक के बना रहे हैं। मेरे पास कई सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि आप पानी में केक बनाना बताएं जिससे हम भी बना के एंजॉय कर सकें। तो गाइस आज मैं पानी में ही आपको केक बनाना बता रही हूँ, यानी कि मैं आज जो केक बनाऊंगी वो स्टीम करके बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास पानी। और पानी ऐड करने के बाद अब हम इस तरीके का एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरह की प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टैंड रखने के बाद अब हम पानी में एक बॉयल आने देंगे। तो गाइस यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और इस तरीके से इसमें कटोरियां सेट कर देंगे।
और कटोरी सेट करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही स्टीम होने देंगे। बीच बीच में हम इन्हें चेक करते रहेंगे। तो गाइस 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं केक है काफी अच्छे से स्टीम हो चुकी है और फूल के दुगनी भी हो गई है, लेकिन फिर भी हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने इस तरीके की टूथपिक ले ली है और आप देख सकते हैं जब मैं इसके अंदर टूथपिक को इंसर्ट कर रही हूँ उसके बाद चेक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन है। तो इसका मतलब है जो हमारी केक है काफी अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि टूथपिक में बैटर है चिपक के आ रहा है तो आप 1 से 2 मिनट के लिए और इन्हें स्टीम कर सकते हैं और इसी तरीके से हम आगे की सभी जो केक है उन्हें स्टीम कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने सभी केक हैं स्टीम करके ले ली हैं और इतने से बैटर में हमारी काफी सारी केक हैं बनके तैयार हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारा केक है वो कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो डीमोल्ड करने के लिए मैं इस तरीके से चाकू की सहायता से इसके अच्छे से इन्हें अलग कर दूंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और जालीदार केक है हमारा बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना मजेदार केक आप आसानी से घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बना के एंजॉय कर सकते हैं और खास तौर पे ये बच्चों को काफी पसंद आता है, इसे बनाना बेहद ही आसान होता है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी नई और यम्मी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।